नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बात करेंगे बड़ी खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। थोड़ी देर में बीजेपी प्रत्याशी करेंगे नामांकन। बीजेपी ने 7 राज्यसभा प्रत्याशियों को किया है ऐलान और 15 फरवरी तक नामांकन की आखिरी तारीख बताई जा रही है और 27 फरवरी को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में 252 विधायक हैं। SBST के 6 विधायक भी बीजेपी के साथ है। वहीं अपना दल एस के 13 विधायक भी बीजेपी के साथ। निषाद पार्टी के 6 विधायक बीजेपी के साथ। वहीं RLD के 9 विधायक भी बीजेपी के साथ जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के भी यूपी में 2 विधायक हैं और बसपा का भी यूपी विधानसभा में 1 विधायक है। वहीं यूपी कोटे की 10 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन हो रहा है और इसके लिए जो है 7 उम्मीदवारों के जो नामांकन है वो बीजेपी अब करने जा रही है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से। और बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में अगर हम बात करें तो 252 विधायक हैं। तो 27 फरवरी को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है और 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख जो है वो बताई जा रही है। तो बीजेपी ने 7 राज्यसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और थोड़ी देर में बीजेपी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। तो राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे और अब से थोड़ी देर में बीजेपी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। और बीजेपी ने 7 राज्यसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, 10 राज्यसभा सीटों के लिए 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जो है बीजेपी की ओर से कर दिया गया है और अब कब से नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू होगी? सुटी देखिए, जो यूपी में है 10 राज्यसभा की जो सीटें हैं कोटे की वो खाली हुई हैं और उन पे जो है वो प्रत्याशी उतारने हैं। और समीकरणों के लिहाज से या कह सकते हैं कि जो विधानसभा के अंदर जो संख्या है विधायकों की उसके लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी है उसने 7 सीटों पर जो है 7 प्रत्याशियों के नाम जो हैं उनको मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बहुमत की बात की जाए तो देखिए बीजेपी के पास जिस हिसाब से बहुमत है 7 प्रत्याशियों का जीतना उसका लगभग तय है और 3 प्रत्याशी का जीतना जो है वो समाजवादी पार्टी के तय माना जा रहा है। लेकिन तीसरे विधायक को लेकर जो तीसरा राज्यसभा का जो सांसद होगा समाजवादी पार्टी ने जिस पर अपना कैंडिडेट होगा उस पर पेज जरूर थोड़ा सा फंस सकता है क्योंकि 112 जो है वो वोटों की आवश्यकता है और 108 का जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी के पास में है। तो ऐसे में 4 वो विधायक कौन होंगे जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जरूर जो स्थिति है वो फंसती हुई नजर आ रही है। अगर बीजेपी 8वां कैंडिडेट अपना नहीं उतारती है तो ये पूरा चुनाव जो है वो निर्विरोध हो जाएगा। 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के और 7 प्रत्याशी जो है वो बीजेपी के राज्यसभा के लिए चुन लिए जाएंगे और इसके लिए आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन करने के लिए निकल रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर जो है इस समय पूरे लाव लश्कर के साथ में ये सभी 7 प्रत्याशी जो हैं वो विधानसभा जो है पहुँचेंगे। उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और इसके अलावा जो यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वैजयंत पांडा वो भी आज जो है वो प्रभारी बनने के बाद में पहली बार यूपी दौरे पर आए हैं और यहाँ पर वो भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर हैं और यहाँ से वो उन सभी प्रत्याशियों के साथ में विधानसभा पहुँचेंगे जहाँ पर जाकर वो नामांकन करेंगे। उन नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के पास अभी 252 विधायक उसके खुद के हैं, 6 विधायक निषाद पार्टी के और 6 विधायक सुभाषपा पार्टी के हैं उसके पास में। इसके अलावा 9 विधायक जो हैं वो RLD के हैं जिन्होंने बीजेपी को समर्थन करने की बात जो है वो पहले की घोषणा कर चुके हैं और इसके अलावा 11 प्रत्याशी जो है वो अपना दल के हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी के जो 7 प्रत्याशी हैं इनका चुना जाना लगभग पूरी तरीके से तय है। 8वां प्रत्याशी अगर बीजेपी उतारती है तो चुनाव होगा। हालांकि नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वो कल तक है यानी कि 15 फरवरी तक है। तो देखना होगा क्या बीजेपी अपना 8वां कैंडिडेट उतारती है या फिर नहीं, या ये पूरा चुनाव जो है वो निर्विरोध संपन्न होता है। जी, तो ये कहा जा सकता है प्रियम कि कहीं ना कहीं जो है सपा के जो तीसरे उम्मीदवार है उनको रोकने के लिए जो है बीजेपी अपने 8वें प्रत्याशी को उतारने के मूड में है। प्रियम, आवाज मिल पा रही है आपको?
जी जूही सवाल करिए जी। कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बीजेपी सपा के तीसरे प्रत्याशी को रोकने के लिए जो अपने आठवें प्रत्याशी को मैदान में उतारने के मूड में है। देखिए बिल्कुल इस बात को लेकर जरूर उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी अपना आठवां कैंडिडेट उतार सकती है, और बीजेपी अगर अपना आठवां कैंडिडेट उतारती है तो चुनाव भी जो है वो संपन्न होंगे और चुनाव जो है पूरी प्रक्रिया के तहत जो है फिर वो प्रत्याशियों का चयन होगा। लेकिन अगर बीजेपी अपना आठवां कैंडिडेट नहीं उतारती है तो ये चुनाव जो है पूरा निर्विरोध हो जाएगा। लेकिन सपा के लिए अभी कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ आप देखें आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने से मनाई कर दिया है, और जो अपना दल का जो समर्थन था उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग करने की जो बात है वो कही है। तो ऐसे में अगर बीजेपी को लगता है कि उसका आठवां कैंडिडेट जीत सकता है और जो बहुमत का आंकड़ा है वो पा सकते हैं, तो जाहिर तौर पर जो है वो बीजेपी अपना आठवां कैंडिडेट उतारेगी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के फिर दो ही प्रत्याशी जो हैं वो राज्यसभा पहुंच पाएंगे। जी यहाँ बताया जा रहा है कि आरएलडी और जो है जनसत्ता दल के राजा भैया दोनों का समर्थन जो है बीजेपी को मिल रहा है, तो ऐसे में सपा को अपने तीसरे प्रत्याशी को उतारने में कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए समाजवादी पार्टी पहले ही अपने तीन प्रत्याशी जो है उतार चुकी है, और तीनों प्रत्याशी कल जो है समाजवादी पार्टी के उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के आगे एक बड़ा चैलेंज होगा अपने तीसरे प्रत्याशी को जीत दिला पाना, चूंकि जो समीकरणों के लिहाज से आप देखें 112 बहुमत होना चाहिए लेकिन 108 ही जो कह सकते हैं बहुमत का आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी के पास में है। तो ऐसे में चार संख्या और जोड़ना ये एक बड़े चैलेंज के तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास में रहने वाला है। और जिस तरीके से उसके अपनों ने जिन जो 2022 की विधानसभा के चुनाव में उसके साथ थे उन्होंने साथ छोड़ा है, चाहे वो आरएलडी हो या फिर अपना दल हो कैमरावादी, तो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तीसरे कैंडिडेट की जीत पर अब संशय बरकरार। देखना होगा क्या बीजेपी इस पर अगर अपना आठवां कैंडिडेट उतारती है तो कहीं ना कहीं जरूर एक बड़ा चैलेंज के तौर पर जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए रहने वाला होगा। जी अपना दल की ओर से कहा गया है कि अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के चयन में पीडीएफ फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया और इसके लिए वो जो है सपा से दूरी बना रहे हैं। बिल्कुल देखिए साफ तौर पर पीडीए का फॉर्मूला लेकर अखिलेश यादव लंबे समय से इस समय कहें तो आप चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक मंच से उन्होंने पीडीए का मुद्दा उठाया, और लेकिन जब एक मौका आया जहां पर पीडीए को उनको कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए था, अवसर देना चाहिए था और राज्यसभा के लिए उस समीकरण का लिहाज जो है या ध्यान रखना चाहिए था, तो वो उन्होंने नहीं किया। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कह सकते हैं कि शायद ये जो नाराजगी का विषय है तो वो पीडीए के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा, पार्टी के अंदर अंतरकलह जो है इसकी वजह से वो देखने को मिली। चूंकि उन्होंने जो पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की जो बात कर रहे थे, तीन सीट थी इसके जरिए एक मैसेज दे सकते थे, और जिस मुद्दे को लेकर वो चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं हर एक मंच से उस बात को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका उन्होंने खुद पालन नहीं किया। और शायद यही वजह है कि आप देखें चाहे वो अपना दल हो या फिर अंदर खाने के जो उनके समर्थक हैं उनके अंदर भी इस बात को लेकर खासी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। जी अगर हम बात करें आठवें प्रत्याशी की तो क्या बीजेपी के ही होंगे या फिर जो एनडीए में शामिल किसी अन्य दल है उनसे लिया जा सकते हैं? आठवें प्रत्याशी का नाम कौन हो सकता है? देखिए आठवें प्रत्याशी के तौर पर अगर बीजेपी उतारती है तो वो एनडीए के सहयोगी दल से भी हो सकता है, क्योंकि देखिए बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी की रणनीति पर किसी भी तरीके का अंदाजा लगाना गेस करना हमने हमेशा देखा है कि वो गलत ही साबित होता है, क्योंकि बीजेपी जिस लेवल पर जाकर अपनी तैयारी करती है और जो उसमें गोपनीयता बरतती है तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं हर बार सबको हैरान करती है। इसलिए ये बात कह पाना अभी से कि जो आठवां कैंडिडेट होगा वो बीजेपी का होगा या फिर वो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनमें से किसी का होगा या आरएलडी की तरफ से भी उस प्रत्याशी को जो है वो राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है तो उसको भी उतारा जा सकता है। तो अगर उतारा जाएगा कि नहीं उतारा जाएगा और उतारा जाएगा तो किसका होगा, तो ये अभी से कह पाना थोड़ा जरूर जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन माना जा रहा है कि शायद जो सहयोगी दल हैं उनको रिझाने के लिए बीजेपी उनमें से किसी एक कैंडिडेट को भी इसमें जगह दे सकती है। जी और बताया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी जो है आठवें प्रत्याशी को लेकर बैठक भी करने वाले हैं। बिल्कुल देखिए मंथन जरूर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण बदले हैं और बीजेपी के पक्ष में नजर आए हैं तो बीजेपी क्यों बिल्कुल पूरी तरीके से चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के ही तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से जो है वो राज्यसभा में जाए। और समाजवादी पार्टी ने जो अपने तीन कैंडिडेट उतारे हैं चूंकि उसके पास वो बहुमत नहीं है तो बीजेपी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि चार विधायकों को जोड़ पाना इस समय जिस हिसाब से समीकरण और परिस्थितियां दिखाई दे रही तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अवसर देखती हुई तलाश रही है, और अगर उसको लगता है कुछ ऐसी बात होती है उसकी अन्य दलों के साथ में जो उसके साथ में नहीं है और वो उनमें से कुछ अगर वोट उसको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना आठवें कैंडिडेट को जरूर उतारेगी। जी प्रियम बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और बात करेंगे अगली खबर की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा लखनऊ पहुंचे, जहां चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेताओं ने बैजयंत पांडा का स्वागत किया, जिसके बाद बैजयंत पांडे प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और अब नामांकन में भी शामिल होंगे। और बलिया पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा के बयान पर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस्तीफा एक ड्रामा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने लंबे समय से सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे थे, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था दिया है, ये लोग संविधान को नहीं मानते। संविधान को मानते तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। वहीं कहा कि जो आज इस्तीफा दिया गया है संगठन के राष्ट्रीय महासचिव के पद से, लेकिन एमएलसी तो बने रहेंगे। आज उन्होंने दे दिया इस्तीफा, कल मंजूर भी कर लिए जाएंगे और परसों बना दिए जाएंगे, तो हो सकता है कि एमएलसी से इस्तीफा दें, तब मानेंगे कि वास्तव में दोनों लोग मिले हुए नहीं हैं। तीन सीट पर यूपी में, दो वो बिहार में। आप भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम काहे बगावत कर। ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कमेटी की बैठक वो खत्म होने के बाद फिर यूपी में काम चालू हो जाएगा। अब तारीख तो नहीं बता सकते, लेकिन आचार संहिता लगने के बहुत पहले हो जाएगा। तो ओपी राजभर ने जो है हमला किया है स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर। उन्होंने कहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, भले ही वह इस्तीफा दे दे, इस्तीफा महज एक ड्रामा है। तो ऐसा सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश के इशारों पर ही वो सनातन धर्म को लेकर हमेशा विवादित टिप्पणियां देते रहते हैं और इससे आगे भी कोई सुधार नहीं देखने को मिलेगा। तो ओपी राजभर का स्वामी पर हमला जो है यहाँ देखने को मिल रहा है, जब उन्होंने उनके इस्तीफे पर कहा है कि ये महज ड्रामा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, अब जो है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर हमला बोला है, क्या जानकारी है? देखिए जूही जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार एक के बाद एक हमलों से झुलसती जा रही है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे करके अखिलेश यादव को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि ये सब एक सियासी ड्रामा है, एक ड्रामा के तहत स्क्रिप्ट लिखी गई है और ये पूरी स्क्रिप्ट के सूत्रधार खुद अखिलेश यादव जी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये भी कहना है कि जो कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे अखिलेश यादव हैं जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश के इशारे पर ही जो है इस तरह के बार बार जो बयान देते रहे, चाहे सनातन धर्म को लेकर या फिर और भी देवी देवताओं को लेकर जो कहते रहे हो, वो सब कुछ महज अखिलेश के इशारे पर ही होता रहा है। हाँ, ओम प्रकाश राजभर की अगर माने कि जो भी समाजवादी पार्टी में हो रहा है उसके पीछे अखिलेश यादव है, एक ड्रामे की स्क्रिप्ट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जनाधार तेजी से घट रहा है। उस कैसे उसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, इसके लिए उसके इशारे पर जब देखिए तब अनाप फनाप बातें स्वामी प्रसाद मौर्य करते रहते हैं जी। वो कह रहे हैं एमएलसी के पद से इस्तीफा दें, तब जाकर हम मानेंगे कि हाँ ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो क्या लगता है आगे क्या दे सकते हैं वो? ओम प्रकाश राजभर का सीधा कहना है कि ये सब सियासी ड्रामा है, केवल पद से, राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देने से काम नहीं चलने वाला है। अगर सच में समाजवादी पार्टी से किनारा कसना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनको एमएलसी पद से इस्तीफा देना चाहिए जी। उन्होंने ये कहा है कि इस्तीफा एक ड्रामा है, तो क्या आगे जो, क्योंकि अभी वो पार्टी के लिए काम करते ही रहेंगे, तो क्या माना चाहिए, वाकई में ड्रामा है? देखिए अभी कुछ कह पाना पट्टी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बयान देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कोई दूसरा बयान नहीं आया है। उन्होंने एक चिट्ठी बम फोड़ा है, अभी मीडिया के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस तरह की चर्चाएं आ रही हैं स्वामी प्रसाद
मौर्य के पात के जो लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर 1 बजे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ मीडिया के सामने आकर के बयान दे सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो 317 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का गोरखपुर को सौगात देंगे। इस दौरान सामूहिक विकास कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो 1000 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराएंगे। और यहां यही मंच से सीएम योगी 252 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और गुरुवार को मेडिकल कॉलेज में 60 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और 5 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वहीं इस दौरे के दौरान सीएम योगी ने रजही स्थित वनटांगिया गांव पहुंचकर गांव चलो अभियान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहां लोगों से संवाद भी करेंगे। तो दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 317 करोड़ की गोरखपुर को सौगात देने जा रहे हैं। और वहीं किसानों को प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कहीं घटना बाद सुरक्षा को और भी पुख्ता कर दिया गया है। हम आपको यहां 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सिंधु बॉर्डर की है, दूसरी तस्वीर शंभू बॉर्डर की है, तीसरी तस्वीर टिकरी बॉर्डर और चौथी तस्वीर झज्जर की है, जहां सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और पांचवी तस्वीर की हम बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर से है, जहाँ इस प्रदर्शन के कारण जो है जाम लगा हुआ है। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से, अलग अलग बॉर्डर से, जिनमें कि सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और झज्जर के पास से दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस दौरान जो है पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। अभी जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे हर प्रकार से शांति व्यवस्था बनी हुई है और ट्रैफिक जो है उसके लिए रूट डाइवर्जन किया हुआ है। बाकी यहाँ से आप देख रहे हैं आवागमन जो पैदल के और उनके लिए है वो फ्री है, सभी आजाद। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के दिल्ली के तमाम बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। दिल्ली के तमाम इलाकों में जो बॉर्डर पर है सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में मैं इस वक्त पहुंचा हुआ हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर की अगर तस्वीर दिखाऊं तो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें CRPF और RAF की जो टुकड़ियां हैं वो शामिल हैं। अलग अलग फोर्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पर तैनात किया गया है। और अगर मैं बात करूँ बॉर्डर की तो बॉर्डर की पूरी तरीके से किलाबंदी कर दी गई है। और बॉर्डर आप देख सकते हैं तस्वीर में दिखा जाऊँ किस तरीके से यहाँ पर अस्थायी बंकर बनाया गया है, जहाँ पर जवानों को तैनात किया जाएगा। जिस तरीके से जो संभावना जो कल जो शंभू बॉर्डर पर जो तस्वीर देखने को मिली थी उसके बाद यहाँ पर हर तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो तैनात हैं। इसके अलावा दंगा नियंत्रण वाहन को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें तमाम जो जवान हैं वो विशेष रूप से तैनात किए गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो छतों से भी विशेष नियंत्रण रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान और तमाम जो फोर्स अलग अलग जगह से इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखे हैं। जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी समय समय पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से दिल्ली कूच का किसानों का जो आह्वान था और उसके बाद कल शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके जो हालात बने उसके बाद दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वहाँ विशेष रूप से किलेबंदी कर दी गई है और तमाम जो पैरामिलिट्री के फोर्स हैं उनको तैयार कर दिया गया है और वो हर तरीके से उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और किसान आंदोलन को लेकर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि MSP की गारंटी वाला कानून इतनी जल्दी नहीं बन सकता। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें उस पर कानून की गारंटी दी जाए ताकि हम उस MSP से नीचे फसल ना बेचें। इसलिए समिति का कोई सवाल ही नहीं है। हम चाहेंगे कि PM आगे बढ़े और किसानों से बातचीत करे। इसी के साथ C2+50% जो का फार्मूला लगाकर डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दीजिए, किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म कीजिए। लखीमपुर खीरी देखिए अभी 1 महीना रह गया, हमने बोला आप अगर देश के किसान का हृदय शांत करना चाहते तो उनसे इस्तीफा ले लीजिए, उनके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। दूसरी सभी केस वापस लेने हैं, बिजली संशोधन बिल है
और पोल्यूशन एक्ट से किसान को निकालना, फसली बीमा योजना है जिससे अपने बलदम पर सरकार करे, नरेगा है मजदूर की 200 दिन 700 रुपये दिहाड़ी है, विश्व पर संस्था से भारत बार है, 11 मेंबरी जो सूत्री ये मांग पत्र है। लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी सरकार सेंसियर है। जो मीडिया में अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो MSP खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा अभी ये 23 फसलों के ऊपर MSP अनाउंस करते हैं CACP की रिपोर्ट के अनुसार, सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के आप ऊपर आप MSP दे रहे हैं पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं बाकियों की खरीद नहीं करते, हम तो इतना ही कह रहे हैं ना उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस MSP से नीचे हमारी फसल ना बने। तो इसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है, CACP की रिपोर्ट आपके पास है, आप पहले चीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए और किसानों से वार्ता करें, और जो पिछले 75 सालों से ये बड़ी मांग रही है हमारी उनको मानना चाहिए। और हमने आज भी आपके माध्यम से रखते हैं कि 2012 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने जो आज मांग हम कर रहे हैं उनकी सिफारिश की थी कि MSP खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। 2018 में मोदी सरकार के समय में जो उस समय के खेती मंत्री थे उनके बड़े अधिकारी की चिट्ठी है हमारे पास भी, हम C2 50% के अनुसार जो फसलों के दाम देंगे, और जबलपुर हाई कोर्ट का निर्णय भी हमने उसके सामने रखा। तो कोर्ट में कोई भी जब मैटर जाता है तो वो पूरी कैलकुलेशन होगी भी आपकी फसल पे इनपुट्स क्या हैं, सरकार का क्या पक्ष है। जब माननीय हाई कोर्ट ने बोला है तो किसी आधार पर ही बोला होगा, तो हमने पहले बोला भी आपके पास सभी चीज़ें थी और हैं, इसके लिए नए सिरे से कमेटी बनाकर अब सारा मुद्दा आप ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं तो ये तो उचित नहीं है। दूसरा, 2 साल पहले आंदोलन हुआ, आपने ये सब मांगे तो पहले मानी हुई कमिटमेंट कर ली हमारे साथ, तो अब उनको लागू करना का समय है तो फिर आप समय मांग रहे हैं तो अनुचित है मुझे लगता है। तो ये सब अब पोजीशन है, हम चाहेंगे सरकार बल प्रयोग हटाए, आम जैसे माहौल को पैदा करे। हरियाणा पूरी तरह 161 कंपनियां लगी हुई हैं पूरे हरियाणा में, जैसे अब हमने पढ़ा है जो राजस्थान है उनके 3 जिलों में भी इंटरनेट को सेवाएं बंद कर दी गई। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी जमहूरियत कंट्री में। हम इस देश के किसान मजदूर हैं, हमें अपनी बात रखने दीजिए, हम आगे आपने हमारी बात माननी ना माननी एक अलग बात है, हम तो चाहे हमारी बात माने लेकिन हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार देना चाहिए। और वही दिल्ली के सभी बॉर्डर पूरी तरह सील, टिकरी चिल्ला सिंधु बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, शंभू और गाजीपुर बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद, CCTV और ड्रोन से पुलिस कर रही निगरानी। तो दिल्ली के सभी बॉर्डर जो है पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं, किसान आंदोलन को देखते हुए सारे बॉर्डर सील कर दिए गए। वहीं CCTV और ड्रोन से पुलिस जो है निगरानी कर रही है, टिकरी चिल्ला सिंधु बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, शंभू और गाजीपुर बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, और हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और पुलिस जो है CCTV और ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है। तो CCTV और ड्रोन से पुलिस जो है निगरानी कर रही है तमाम आने जाने वालों की, पूछताछ और जांच जो है पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। वहीं सभी जो बॉर्डर है दिल्ली के सभी बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ शंभू और गाजीपुर बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।